हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसा खास टीएलएम जो हमारे आसपास हमारे परिवेश में हम सबके पास होता है। उसकी सहायता से हम किस तरह से बच्चों को एंगल, जो प्राइमरी मैथ का एक महत्वपूर्ण ज्योमेट्री का टॉपिक होता है, कैसे सिखा सकते हैं। तो इसको बनाया है हमारे साथी मुकेश जी ने, जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ गणित के संदर्भ व्यक्ति हैं। तो आइए पहले देखते हैं उनके टीएलएम के बारे में। के बारे में समझाना है, कोण के बारे में समझाना है, कोण की अवधारणाओं को सिखाना है, तो सम घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी है, इसका एक सुई इसकी 3 पर है, एक सुई 12 पर है। तो बच्चों को प्रत्येक खाने के बीच हमने एक चांदा बना दिया है। इस चांदे में 30-30 अंश के कोण दिख रहे हैं, 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120, 150, इसी तरह 360 तक आए हैं। अब हम अगर बच्चे को ये लंबवत रेखा में सुई रखेंगे तो ये बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये 0 से 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर हम इसको घुमा के इसको उधर ले आएंगे 180 तक सीधी रेखा में, तो ये 180 अंश का कोण हो जाएगा। इसको और नीचे लाएंगे, एक मिनट, ये 270 का हो गया, और अगर इसको यूँ मिला देंगे तो ये 360 का हो गया। इसी प्रकार सभी, अब ये अगर इसको हम 90 अंश से कम पे दिखाएंगे तो ये 300 न्यून कोण हो गया। एक मिनट, ये अधिक कोण हो गया, ये पोजीशन है अधिक कोण हो गया। अब ये न्यून कोण हो गया, और कितने अंश का है, 60 अंश का है, 60 अंश का कोण हो गया। तो हम घड़ी की सुइयों के बीच में विभिन्न प्रकार के कोणों को, उसको अवधारणा को बता सकते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, संपूरक कोण और पूर्ण कंप्लीट एंगल, इन विभिन्न कोणों की अवधारणा को सिखाने के लिए घड़ी एक ऐसा टीएलएम है, और ये सेल्फ मेड है। अगर हम 50 रुपये घड़ी ला के भी सिखा सकते हैं, लेकिन हमने सेल्फ मेड इसको कार्डबोर्ड पर बनाया है और विभिन्न प्रकार के कोणों को इसके माध्यम से सिखाने की प्रयास किया। तो अभी हमने देखा कि कितने आसानी से उन्होंने घड़ी के माध्यम से हमें बताया कि हम उसे खुद बना सकते हैं, और उसमें कोण को बच्चों को सारे न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बृहत कोण, जितने कोण पढ़ने होते हैं उस घड़ी में हम सब बता सकते हैं। पर सवाल ये भी आता है कि 360 ही क्यों है ना, उसको जानेंगे उससे पहले। तो 360 चुने जाने के मैं 3 थ्योरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर एक तो ये कि जब हम देखते हैं 360 के फैक्टर, तो आप पाते हैं कि 360 के 24 फैक्टर्स हैं जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो 360 के इतने ज़्यादा संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए भी ये रीज़न है कि 360 को चुना गया, 360 डिग्री रखा गया। तो आप देखेंगे कि एक से लेकर जो हमारे पास 9 डिजिट होते हैं, 7 को छोड़कर सब 360 भाग हो रहा है। अगर हम एक से लेकर 9 तक, 9 को छोड़ के बाकी संख्या को ऐड करें तो उनका 36 आ रहा है। तो यहाँ से भी कुछ सेंस लग रहा था कि 360 हम रख लें। अब दूसरा जो मेन रीजन, दूसरी थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों 360 मान लिया गया। एक कहानी है कि अगर हम प्राचीन बेबीलोनियन सुमेरियन इसको यूज करते थे, तो उन्होंने एक रोड ग्राउंड के बीच में काट दी, उसकी शैडो को उन्होंने मेजर किया, अगले दिन फिर इस प्लेस को देखा, शैडो कहाँ पर है, थोड़ी सी आगे आई, उस पर मार्क लगा दिया, फिर अगले दिन उस सेम ऐसा लगातार करते गए। ऐसा करते करते रोज वो क्या करते, जहाँ शैडो आ रही है वहाँ पर एक और छड़ी काट देते, एक सेंटर में गड़ी हुई है जहाँ शैडो आती, ऐसा करते करते एक सर्कल उनको लास्ट में मिलता है 360 या 365 दिन के बाद, काउंटिंग में लम सम, इसलिए वो 360 दिन आए। एक्चुअली हम जानते हैं आज कि वो 365 होते हैं, पर ये बात जानना जो हम इतनी आसानी से बोल देते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए इतना आसान नहीं था। उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन किए, कई एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके इसको जाना। आप पाएंगे कि जो हमारा कैलेंडर होते हैं है ना, तो लूनार कैलेंडर में 355 दिन होते हैं, और जो सोलर कैलेंडर होता है सोलर, उसमें 365 दिन होते हैं। तो उसका भी आप देखेंगे 360 जो है दोनों का एवरेज है, आसपास भी है। तो एक लॉजिक जो मिलता है शैडो से नापने वाला, 360 जो राउंड फिगर हमने लिया, तो वहाँ से भी एक बड़ा लॉजिक है जो अधिकतर लोग मानते हैं। इस वजह से बेबीलोनियन सुमेरियन ने पूरे साल को, ईयर को बांटा, तो इस 360 हम एक सर्किल के अंदर डिग्री पाते हैं। एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक को देखते हैं कि एक सुमेरियन और बेबीलोनियन, जैसे आज हम बेस 10 सिस्टम पर काम करते हैं, तो अब हम 100 डिग्री आसानी से बना सकते थे, तो फिर 360 क्यों बनाए, कि वो लोग 60 के आधार बनाकर उनकी पूरा नंबर सिस्टम डेवलप किया था उन्होंने,
60 को उन्होंने आधार बनाया हुआ था, और 60 को आधार बनाया हुआ था। तो जब एक सर्किल लेते हैं, आप सर्किल में देखते हैं सर्किल की रेडियस के बराबर कट लगाते जाएंगे तो 6 कट लगेंगे, है ना। तो 6 कट लगेंगे तो 60 को जो 60 उनका सिस्टम का बेस है तो 60 × 6 = 360 वहाँ से आ रहा है। इसको और हम फर्दर पैटर्न देख सकते हैं, एक सर्किल के अंदर अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए उसकी रेडियस के बराबर, मतलब ट्रायंगल बनाए ऐसे कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, 60 60 60 60। तो ये सब रीजंस या ये सब हम आज सोच सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, एक सर्किल को 360 डिग्री में क्यों बांटा जाता है। नथिंग अलाउड पैटर्न, तो ऑल इंटरेस्टिंग पैटर्न घड़ी में और भी दिखा सकते हैं, बच्चों ढेर सारी बातें कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जिस डायग्राम में देख रहे होंगे घड़ी में ये 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं, अगर 12 और 1 घड़ी पैटर्न की दुनिया है, पैटर्न को पहचानने की कुछ लोग तो डिफाइन करते हैं घड़ी यही है, तो हम सिंपल सा एक घड़ी बनाएंगे और घड़ी में 1 से 12 तक नंबर डाल दिए, एक से बारह तक मैंने यहाँ नंबर लिख दिए इस घड़ी में। तो आप देखेंगे कि 12 और 1 13, 11 और 2 13, 10 और 3 13, 9 4 13, 8 5 13, 7 और 6 13। तो इस तरह से पैटर्न को हम बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। पैटर्न्स की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जो जैसे ट्रायंगल है ना, उसकी इंटरनल एंगल सम त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है हम जानते हैं, तो 180 का अगर हम देखें 8 और 1 9, जो अगर हमने 1 + 1 + 0 उसका डिजिट सम करते हैं, फिर हम 4 डिजिट पर आ जाते हैं 360, फिर अगेन 9, अगली डिजिट पर बढ़ते हैं, पंचभुज बनाएंगे एक सर्किल के अंदर, हम एक पॉलीगन बनाएंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं क्योंकि साइड साइड बराबर रखनी है, तो उसका कितना हो जाएगा 540, फिर 9। तो इस तरह का हम देखेंगे सबका सम बार बार 9 आ रहा है, तो इस तरह के कई पैटर्न हमें यहाँ से निकलते मिलते हैं, है ना। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जितने ही जैसे जैसे हम पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं और जो भी उनका इंटरनल एंगल सम आ रहा है सबका जो डिजिट सम करते हैं वो 9 आ रहा है। जैसे आप 9 साइड को देख रहे होंगे 12 60, तो 6 और 2 8 और 1 9 + 0, वो भी 9 ही आ रहा है। तो ऐसी पैटर्न हम देख सकते हैं कि जैसे एक और पैटर्न इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ मैं घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे निकल के हम बात करते हुए बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। 360 360 6 3 9, उसका हाफ करो 180, 1 + 8 + 0 फिर 9, उसका फिर हाफ करो 90 9 + 0, उसका फिर हाफ करो 45, 5 4 9, फिर हाफ करो 22.5, फिर 9, 22.5 का फिर अगर हाफ करेंगे तो 11.25, फिर अगेन डिजिट सम 9 आएगा। हम यानी हाफ करते चले जा रहे हैं तब भी हमारे पास डिजिट सम 9 आता जा रहा है, और हम पॉलीगन के एंगल का सम बढ़ाते जा रहे हैं 4 5, जो अभी आपने देखा है ना कि जैसे मैंने कहा 2 3 भुजा वाले त्रिभुज, 3 भुजा वाले पॉलीगन का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का डॉट 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 डॉट, तब भी उनका इंटरनल एंगल का सम भी 9 ही आ रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग से होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो बच्चों को मजे आते हैं बातचीत में, वो जुड़ते हैं, और जब गणित के प्रति रुझान बढ़ता है वो हमारी बात सुनने लगते हैं, तो उनसे और भी क्लासरूम का जो हमारा टेक्स्ट बुक का डिस्कोर्स है वो आसानी से कर सकते हैं। तो होप आज को ये घड़ी का जो TLM हमारे मुखर्जी ने शेयर किया बहुत पसंद आया होगा, आप इसे अपने बच्चों के साथ जरूर बना के इस पर बातचीत करेंगे जिस तरह हमने कोण के प्रकार, बच्चे भूलेंगे भी नहीं, भी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी वेबसाइट www.vikasharmaeducation.com पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर विकास शर्मा एजुकेशन पे के नाम से ही मैं आपको मिलूंगा, हम कहेंगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग TLM के साथ में। जय हिंद जय भारत।